पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर में देखा जाए तो पैरेलल वेक्टर पहले देखते हैं। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन तो सेम होता है, ठीक ना, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो जीरो बनता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप इक्वल मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, लेकिन उनके डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और इनके बीच में एंगल कितना बनता है, जीरो। जैसे ये वेक्टर गया और ये वेक्टर गया, इनके बीच में एंगल कितना बनना है, जीरो बनना है, ठीक ना, कोई एंगल नहीं बनना है, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक। दूसरा आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में एक वेक्टर इधर जाएगा तो दूसरा वेक्टर इधर जाएगा, और इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180, ठीक ना। इसका मतलब इनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं और इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 180। तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर।